आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। बुलढाणा में सीएम शिंदे ने नीचे वाले बयान को लेकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नीच बताया है, वे मुझे नीच कहकर गाली देते हैं। अगर एक किसान का बेटा एक आम मजदूर मुख्यमंत्री बनता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, बस इसे पचा नहीं पा रहे हैं। एकनाथ शिंदे बोले, कल उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा था कि एकनाथ शिंदे नीच है, आप कुछ नीच कहकर गाली दे रहे हैं। अगर एक किसान का बेटा एक आम मजदूर मुख्यमंत्री बनता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप इसे पचा नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखें तो यह मेरा अपमान नहीं है, यह सभी किसानों के बेटों का अपमान है, यह गरीबों की माताओं और बहनों का अपमान है। जिस समाज से मैं आता हूं, मुझे विश्वास है कि लोग 26 अप्रैल को वोट के माध्यम से इसका जवाब देंगे। उद्धव ठाकरे ने बड़े बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार करने की बनाई थी योजना। बता दें कि इससे पहले शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा भी किया था। शिंदे ने कहा था कि पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित राज्य के प्रमुख बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार करने की भी योजना तैयार की थी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती एमबीए सरकार ने जून 2022 में उद्धव सरकार गिरने से पहले आशीष शोलार, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर और फडणवीस को गिरफ्तार करने की साजिश रची थी। एमपीए सरकार बीजेपी विधायकों के एक वर्ग को लुभाने की कोशिश में थी। शिंदे जून 2022 में उद्धव के खिलाफ विद्रोह करके राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, खुद राजा बनना चाहते थे ठाकरे। पिछले दो साल की घटनाओं को याद करते हुए शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे का सपना सीएम बनने का था। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।